जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये हमारी वीडियो का पार्ट टू आ गया है। तो यहाँ पे ये देखें, अभी लो हम लोग इधर जलानी पार्क में ही थे तो कुछ डक्स नज़र आई हमें। बच्चों ने तो कहा मामा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से भूखी हैं, इनको किसी ने कुछ दाना वगैरह भी नहीं डाला हुआ। और ये हकीकत भी लग रही थी कि जैसे इन्होंने हमें देखा या कुछ और लोगों को देखा तो ये ऐसे भूख की तरसी हुई थी कि हमें कुछ खाने के लिए दे दे। हमारे पास कुछ पॉपकॉर्न्स थे तो बच्चों ने इनको डालना शुरू कर दिए। मैंने भी कोशिश की कि मैं भी इनको डाल दूँ। काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने फिर हमारे पॉपकॉर्न हमने डाले थे तो इन्होंने खाए। और ये देखें, ये आबशार मैंने देखी है, ये इन्होंने काफ़ी सालों के बाद ही मुझे तो लगता है ऑन की है, यहाँ लोगों के रश की वजह से। खैर, दूसरी तरफ ये था कि ये परचम उतारने की कोई छोटी सी तकरीब हो रही थी इनकी, क्योंकि मगरिब होने वाली थी। तो हमने यहाँ पे हम सिर्फ 2 या 3 मिनट ही रुके तो बच्चों ने तो यहाँ पे अपना ही शोर मचाया हुआ था। आप लोग क्यों यहाँ रुक रहे हो, क्या देख रहे हो, हमने जिस काम के लिए आए हैं। आपको तो पता ही है बच्चे ऐसी जगहों पर जाएँ और झूले ना लें, ये हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे भी इन्हीं में शुमार है। खैर, अभी हम लोग यहाँ से निकले ही थे कि दूर से आग लगी हुई हमें नज़र आई। ये आग किसी स्टॉल पे लगी थी या किसी झूले में, ये हमें नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ये धुआँ हमें दूर से ही बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया हुआ था। खैर, यहाँ से हम लोग यहाँ चलते गए, ये हमने दूर से कैप्चर किया है। लेकिन जो भी था, आग थोड़ी अच्छी खासी ज़्यादा ही लग रही थी। मुझे तो लग रहा है ये किसी स्टॉल में थी, हम लोग पास नहीं गए। हमने यहाँ से टर्न लिया तो आगे की तरफ निकले, अभी मुड़े ही थे तो ये स्टॉल आया है फिर से। यहाँ पे अंकल मीठे पकौड़े बना रहे थे, उनकी एक उन्होंने यानी कि ट्रे बना ली हुई थी, अब दूसरे की तैयारी हो रही थी। जलेबियाँ थी यहाँ पे, मीठी टिक्कियाँ थी और कतलम्मा था, जिसको ये जब कोई कस्टमर आ रहा था तो बना के ताज़ा ही दे रहे थे। तो इधर भी इन्होंने साथ ही, बिल्कुल साथ ही इसके भटूरे का स्टॉल था। भटूरे भी अभी वो जैसे जैसे कस्टमर आते हैं बना के देते हैं। इसी तरह ये यहाँ पे भी इन्होंने आउटडोर सीटिंग का ही अरेंज किया हुआ था। तो कुछ ये पाकिस्तान की सकाफत के लिहाज से इन्होंने कुछ लगाए हुए थे डेकोरेशन पीसेस, कुछ कहाँ पे बग्गी बनी थी, कोई बोट वगैरह बनी थी। खैर, बच्चों ने तो अपना ही उद्यम मचाया हुआ था, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो, हमने नहीं ये देखना। यहाँ पे एक स्केच था तो अबू बकर ने इसको खूब छेड़ा है, लेकिन मजाल है कि वो अपनी जगह से हिला हो। चलें, कुछ ये फैंसी शॉप, फैंसी कपड़ों की शॉप थी, ये सिल्क के ऊपर कुछ उन्होंने किया हुआ था। मैंने रेट नहीं इनका पूछा, आगे ये साथ ही था, ये भी वुडन के ऊपर ही उन्होंने हैंडमेड ही कुछ किया हुआ है। ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी। वो भी कह रहे थे कि हम लोगों ने हैंडमेड ही यानी कि ये कोई डेकोरेशन वगैरह किया हुआ था। ये एक स्टॉल आया है यहाँ पर, अबू बकर रुका है, मामा ये मैंने पूछना है। उसने अपने फ्रेंड का यहाँ नाम निकाल लिया था। और दूसरा ये भी देखें, क्रिस्टल की बनी हुई ये कुछ चीज़ें थी, डेकोरेशन पीसीज ही थे, लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव थे। यहाँ पे हम सिर्फ देखा है, यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ पे भी लोगों का जैसे जैसे शाम हो रही थी रश ज़्यादा था। चले जी, यहाँ पे हमने कहा हम चाय पीते हैं, तंदूरी चाय थी ये, 200 का एक कप था। चाय हमने टेस्ट की, इतना बुरा भी टेस्ट नहीं था इसका, लेकिन ठीक था। ये उन्होंने हमें शक्कर में बना के दी थी, 200 का एक कप दे रहे थे। चाय की, चाय को टेस्ट करने के बाद हम आगे चले तो यहाँ पे सब्जी बन रही थी जो कि लाइव थी। ये हमने सिर्फ वीडियो बनाई है यहाँ पे इसका, हमने देखने के बाद हम लोग आगे निकल पड़े थे। जैसे जैसे शाम हुई है रश तो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। यहाँ पे फाउंटेन आ गए हैं, ये भी मैं काफ़ी अरसे के बाद देख रही हूँ कि इन्होंने चलाए हुए हैं, लेकिन नहीं तो ये चलाते नहीं हैं, या फेस्टिवल की वजह से वो आबशार ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। खैर, यहाँ पे हमने इनको एंड तक देखा। बच्चों की स्पीड यहाँ पे देखें कितनी तेज़ है कि हमने तो बस झूले लेने हैं, झूले लेके देने हैं या नहीं देने। मैं इनको कह रही थी रुको, रश है ज़्यादा, साथ साथ चलो, लेकिन नहीं, आपको यानी कि जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब यहाँ पे ग्राउंड में एंटर होने से पहले ही, नीचे यहाँ झूले वाली साइड पर जाने से पहले यहाँ पर ये आग स्टॉल आया था। यहाँ पे मकई की रोटी बन रही थी, सरसों का साग था, ये भी 300 की मकई की यानी कि रोटी थी और साग की एक प्लेट, ये 300 में दे रहे थे, लेकिन हमने नहीं खाया। मैंने सिर्फ ये देखा है कि ये बना कैसे रही थी। ये इनका साग है, साग को वो साथ साथ मिट्टी की हाटी में ही घोट रही थी। इसी तरह से ये यहाँ पर भी भटूरे आ गए थे कुछ, यहाँ पर तंदूरी चाय का स्टॉल दोबारा से आ चुका था, तो साथ ही ये लाइव बारबेक्यू हो रहा था।
खैर यहाँ से हम बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नीचे आ गए। दूर से तो ये चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन जब आप बच्चों ने कहा हम अंदर भी जा कर देखते हैं, अंदर कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आगे की तरफ गए। बच्चों ने कुछ यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना ली थी, कुछ पिक्चर्स उतारी हैं हमने। यहाँ पे कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट था जो कि इन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया था, म्यूज़िक यहाँ पे चल रहे थे। ये भी कुछ अंकल थे, उन्होंने ज़मीन पे कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई थी। इनके रेट कुछ नॉर्मल ही थे। बच्चों को यहाँ पे अब अपनी चीज़ें मिल चुकी थी। हमने जंपिंग कासल लेना है जी, मलिहा अबू बकर अहमद, हमने शिप में बैठना है, हमने इस झूले में। खैर बच्चे थे, हमने इनकी भी बात माननी पड़ी हमें। ये तीनों तो अंदर चले गए हुए थे, इन्होंने खूब यहाँ पे इंजॉय किया, इतना खेले हैं ये। फिर के बाद में हमें जी ये दे दो वो दे दो, गर्मी से पता नहीं क्या हो रहा है, ये करना है। हम दोनों तो, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग तो साइड पे होके बैठ गए थे कि चलें अब बच्चों की बारी आई है तो उनकी ख्वाहिश। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।